मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI पहुंचकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनका हाल जाना। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI के गहन चिकित्सा कक्ष ICU में भर्ती हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में खेत से चारा लेने गए महिला की दुष्कर्म के बाद उसी की चुनरी से गला घोटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गन्ने के खेत में उसका अर्धनंग शव पड़ा मिला। चेहरे और शरीर पर कई जख्म भी पाए गए। महिला के पति की ओर से पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक चौकी इंचार्ज की घिनौनी करतूत ने पुलिस महकमे को एक बार फिर से बदनाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गदासपुर गांव में एक प्रकरण सुलझाने गए पुखराया चौकी इंचार्ज से एक महिला उलझ गई। हाथापाई में महिला रास्ते पर गिर गई तो संतुलन बिगड़ने पर चौकी इंचार्ज भी महिला के ऊपर जा गिरे। चौकी इंचार्ज ने गुस्से में महिला को पीट दिया। मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB द्वारा आयोजित की जा रही UPSI परीक्षा का अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए इस साल के शुरुआत में भर्तियां निकली थी और मार्च अप्रैल में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर एग्जाम कराने की भी तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ती गई है। हालांकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं और इसलिए जल्द से जल्द इसकी परीक्षा कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन करने पर कहा है कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है, इसके लिए हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओपन माइंडेड हैं और हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। हम आगे की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। ईदगाह में बकरीद की नमाज इस साल भी नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के अनुसार अधिकतम 50 लोगों के साथ मस्जिदों में नमाज की इजाजत रहेगी। नमाज के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। बकरीद की नमाज 21 जुलाई को अदा की जाएगी। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ मस्जिदों में एक समय में अधिकतम 50 लोगों को नमाज की इजाजत दी गई है। शायर मुनव्वर राणा ने शनिवार को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए यूपी आए हैं। मुनव्वर ने कहा कि ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा CM बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाऊंगा। निगोहा कस्बे में नगराम मोड़ स्थित एक निर्माणाधीन मकान के शौचालय टैंक में शनिवार को शटरिंग खोलने उतरे दो मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए। सूचना पर CO और प्रभारी निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। JCB से टैंक तोड़वाकर दोनों मजदूरों को निकालकर पुलिस ने मोहनलालगंज CHC पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए नागरिक उड्डयन विभाग तथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नायल के बीच 1334 हेक्टेयर भूमि के लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ऑफलाइन पढ़ाई के लिए एक बार फिर स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों की सहमति मांगी है। बताया जा रहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को भी सौंपना है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।